हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मामून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सोया 65। तो फिर चले इसे शुरू करते हैं। पहले हम सोयाबीन को सोक करेंगे। यहां पे मैंने ली है 2 कप सोयाबीन। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी ताकि सोयाबीन को सोक होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे मैंने सोयाबीन में गर्म पानी डाल दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सूख हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे सोयाबीन फूल के डबल हो चुकी है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे सोयाबीन को निचोड़ लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तीखा कम खाते हो तो मिर्ची का क्वांटिटी कम रखें। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये सारे मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को मसाले के साथ मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे दही 150 ग्राम। दही डालने के बाद डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच। दही और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सारे मसाला यहाँ पे मैंने सोयाबीन के साथ मिला दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर ताकि ये मैरिनेट हो जाए। सोयाबीन मैरिनेट हो जाने के बाद अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल हीट किया है। ऑयल हीट हो जाने के बाद एक एक करके सोयाबीन को डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बैच में जितना हो सके उतना ही सोयाबीन डाला है। अब इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे ताकि इसका एक साइड फ्राई हो जाए। कुछ टाइम के बाद अब इसे पलटी करके इसे सारे सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल देंगे। सेम प्रोसेस में दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे एक एक करके सोयाबीन को। सोयाबीन को डाल लेने के बाद अब इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। कुछ टाइम के बाद यानी ये थोड़ा सा सेट हो जाए तब हम सोयाबीन को पलटी कर करके इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सारे सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल देंगे प्लेट में। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से कटे हुए हरा धनिया। सोयाबीन के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इसे स्प्रिंकल कर देंगे। इसे मैंने ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हो। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।